उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपदीय स्वाट व थाना गढ़मुक्तेश्वर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा भादवी का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ हत्या की घटना में संलिप्त मुख्य हत्यारोपी घायलावस्था सहित दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में 40 बोरे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप कीमत करीब 30 लाख रुपए व आला कत्ल पिस्टल और घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता रेहान पुत्र मोहम्मद बसीर निवासी गढ़ी कस्बा व थाना हसनपुर निवासी सिलमपुर थाना कृष्णा नगर दिल्ली बताया जा रहा है। ये दिनांक 7 जनवरी को बदरखा नहर रजवाहे के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इस पर टीमों का गठन किया गया, संयुक्त टीम भी बनाई गई गढ़ थाने और स्वाट टीम की, और इस टीम ने लगातार सर्विलांस और सीसीटीवी आदि के मदद से इस केस पर काम किया और आज शाहपुर नहर के पास बाद मुठभेड़ दो शातिर अभियुक्तों को, जो कि इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक को गोली लगी है रेहान, जो कि हसनपुर अमरोहा का रहने वाला है, और दूसरा उसका साथी सादिक, जो कि मृतक के ही गाँव का है, मृतक के ही गाँव अमरोहा में गंगवार गाँव का है, इसे गिरफ्तार किया गया है। और इनके कब्जे से हमें घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी और उसमें वो जो स्क्रैप का सामान जो मृतक ले जा रहा था, वो लगभग 40 बोरे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, वो बरामद किया गया है। साथ ही आला कत्ल, घटना में प्रयुक्त जो 32 बोर की पिस्टल थी और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो इनमें इनका ये था कि इन्होंने मिल के मृतक जो था वो और इसके दोस्तों ने मिलके इस स्क्रैप के सामान को लूट की योजना बनाई थी कि हम इसे लूट दिखाएंगे, और उसी क्रम में जब ये योजना बना के उसके बाद जब इसके बंटवारे की बात हो रही थी कि कौन कितना परसेंट लेगा, उसी में इनमें आपस में अनबन हुई, जिसमें इसके इनके साथियों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। नहीं, अभी तक की पूछताछ में इस तरह का कोई वाकया सामने नहीं आया है, परंतु आज जब हमने इन्हें गिरफ्तार किया तो ये वही लूट का सामान बिजनौर से मेरठ बेचने लेके जा रहे थे, जिस क्रम